on this side, welcome all to our YouTube channel. Hope you all are doing great. Usually हम अपने वीडियो में कवर करते हैं सेल्फ डिफेंस, लेकिन आज की ये वीडियो थोड़ी सी अलग है. इसमें हम लोग बताएंगे कि आप सेल्फ डिफेंस, अगर कोई आपके ऊपर अटैक कर रहा है तो आप उसको ब्लॉक कैसे करोगे. ये वीडियो स्पेसिफिकली उन पॉइंट्स को कवर करेगी. इस वीडियो में हम शो करेंगे कि आप पंचिस से कैसे ब्लॉक कर सकते हो. नॉर्मली लोग बोलते हैं कि आप पंच करना सिखा देते हो, लेकिन अगर आपको कोई पंच मार रहा है तो उस टाइम पे आप ब्लॉक कैसे करोगे. तो इस वीडियो में हम ब्लॉक की बात करेंगे और स्पेशली पंचिस की फॉर्म में कौन कौन से ब्लॉक है और आप उस ब्लॉक का यूज कैसे कर सकते हो. फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले जब ब्लॉक होते हैं, फर्स्ट होते हैं गार्ड. सबसे पहले आपको गार्ड करना होता है, कवर करना होता है खुद को. तो फोरहेड फेस को कवर करने के लिए फ्रंट गार्ड होता है, ये ऐसे कवर करो. सेकेंडली आप साइड से कवर करते हो, यहाँ से आप डाउन, ये सेकेंड ये होता है. लेकिन आप इसको प्रैक्टिकली कैसे यूज़ करते हैं, लाइक सामने वाला पंच मार रहा है, यूजली ऐसा अवॉइड करना है कि आप खाने की कोशिश करो, क्योंकि कोई भी आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बंदा वो पंच मार रहा है तो आप एक दो से ज़्यादा ब्लॉक नहीं कर पाओगे अगर आपकी कंडीशनिंग ना हो रखी हो तो. तो बट मैं आपको बता देती हूँ आप ब्लॉक कैसे करोगे. मान लो ऐसी सिचुएशन में हो कि आप एकदम से आपके पास कुछ करने का टाइम नहीं, तो हाथ यहाँ पे करके ब्लॉक करो, लाइक ये पंच कर रहा है तो मैंने ऐसे कवर कर दिया. अब यहाँ पे अगर ये चार पांच पंच मार भी देगा तो मेरे को टाइम मिल रहा है कि मैं अपने गार्ड के बीच में से जाके किसी को हिट कर दूँ. अभी इसने किया है स्ट्रेट पंच, लेकिन अगर कोई मेरे को साइड से हुक पंच दे रहा है, अभी साइड पंच देने की कोशिश कर रहा है, इस चीज़ को टारगेट कर रहा है, आप उसको कैसे ब्लॉक करोगे. तो सेकंड सिचुएशन अभी हम वो देखने वाले हैं. सो लाइक हिट, आप अपने इस एल्बो के इस पोर्शन का यूज़ करोगे और ऐसे पूरे का पूरा कवर कर लोगे ताकि यहाँ पे हिट आए, लेकिन आपके फोरहेड पे कोई भी हिट नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अगर आपको हिट होता है तो बहुत ही ज़्यादा फेटल है, कोई भी सीरियस इंजरी हो सकती है. इवन वे आपको ध्यान रखना है ब्लॉक्स की टर्म. सो लाइक अभी मेरे को हिट करा साइड, ब्लॉक. तो ये थे आपके दो सिंपल से ब्लॉक. लेकिन इसके अलावा आप और कौन सी चीज़ यूज़ कर सकते हो. जब भी बात आती है आपको पंची से बचने की, आप मिस कर सकते हो पंच, जरूरी नहीं आपको पंच खाना है. ये बॉक्सिंग की प्रोफेशनल चीज़ें हैं जो मैं आपको बता रही हूँ, लेकिन रियल लाइफ में भी हमें इन सब चीज़ों का यूज़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है. तो आपको एटलीस्ट आइडिया होना चाहिए कि आप कैसे कर सकते हो. और सबसे बड़ी बात, दिस इज मैटर ऑफ रिफ्लेक्सेस. जितने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग आपके रिफ्लेक्सेस होते हैं, उतना ही ज़्यादा चांस होता है कि आप किसी भी सिचुएशन से एक्टिवली बाहर आ सकते हो. लाइक अब नेक्स्ट चीज़ जो मैं आपको बताऊँगी कि अगर मेरे को पंच कर रहा है तो मेरे को क्या करना है, टक मिस करना है उसका पंच. जितनी उसकी स्पीड है उससे ज़्यादा मेरे को उसी से जस्ट रेंज से बाहर जाना. और एक और चीज़ जो आपको ध्यान देनी है, कभी भी आप पंच उसकी ओपन साइड में नहीं जाओगे. अगर ये मेरे को राइट साइड से पंच कर रहा है तो अगर मैं उसके लेफ्ट साइड जा रही हूँ तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसके ऑपोजिट पंच आएगा और मेरे डबल अटैक हो जाएगा. अगर मैं बच भी रही हूँ तो भी कोई फ़ायदा नहीं. तो मेरे को ये करना है उसके क्लोज साइड जाना है, ओपन साइड में कभी भी नहीं जाना है. हो सकता है एक स्टेप बाहर जाके लाइक हिट एक स्टेप आ गई और हिट आप सामने वाले को हिट कर सकते हो. फायदा क्या है, जैसे इसमें जैसे अभी आपने देखा कि अगर ये मेरे को इस हैंड से पंच कर रहा है तो उसका ऑपोजिट साइड तो उसने कवर कर रखा है, तो मैं चाहूंगी भी तो उसको इस साइड से हिट नहीं दे सकती हूँ, बट उसका ये वाला साइड पूरी ओपन पड़ी है. तो अगर ये मेरे को ऐसे हिट कर रहा है तो मिली जाती हिट, ऐसे साइड गए हिट. और ये बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि जब भी आप अटैक की बात कर रहे हो, डिफेंस की बात कर रहे हो, आपको दिमाग का यूज़ करना है कि कभी भी आपको ओपोनेंट की ओपन साइड में नहीं जाना है. अगर मैं हिट कर रही हूँ तो सामने वाला हिट कर रहा है, उसकी क्लोज साइड में जाओ, थोड़ा आगे जाओ और हिट करो. ये बहुत ही बेसिक सी चीज़ है, लेकिन अगर आप इनका यूज़ करना है या फिर इसको दिमाग में भी रख लो, थोड़े से रिफ्लेक्सेस पे काम करना शुरू कर दो, तो ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाला है. सो अभी एक इम्पॉर्टेंट मैसेज जो मैं सबको देना चाहती हूँ, पेरेंट्स और स्पेशली जो बच्चे हैं, स्पेशली फॉर मेल्स, क्योंकि अभी हमारे पास एक ऐसा इशू आया है जहाँ पे एक लड़के ने अपनी हेरेसमेंट की स्टोरी मेरे साथ शेयर की थी और उसका सिर्फ एक ही मैसेज था कि प्लीज़ आप अपने सेल्फ डिफेंस की वीडियोस में ये भी बताओ कि अगर आप कोई भी अटैक दे रहे हो तो आपको सिचुएशन को देखना है कि आप उस सिचुएशन में हो कि आपको अटैक देने की ज़रूरत है, क्योंकि ग्रोइन अटैक एक ऐसी चीज़ है जो सामने वाले को पूरी लाइफ के लिए इनफर्टाइल बना सकता है, इवन सामने वाले की डेथ भी हो सकती है. और उसी के इंसिडेंट से जो मेरे को एक मेन पॉइंट सामने आया कि हम लोगों ने एक हैबो बना दिया है हर चीज़ को, कि मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, फीमेल डोमिनेटिंग सोसाइटी, लेकिन जो मेन चीज़ है हमारा आपस में कनेक्शन नहीं है. लाइक किसी के साथ कुछ गलत होता है वो क्रिएट कर रखा है कि लड़कियां इनोसेंट होती है, तो अगर किसी लड़के के साथ कुछ गलत होता भी है तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो आवाज़ ही नहीं उठाता है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो अपने लिए आवाज़ नहीं उठाता, इवन अपने पेरेंट्स तक को नहीं बताता कि उसके साथ में कुछ गलत हुआ है. लेकिन ये चीज़ मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, क्योंकि इस हम लोग सेल्फ डिफेंस की बात करें तो सेल्फ डिफेंस हमेशा ही लड़कियों के लिए नहीं होता है,
हो सकता है कि लड़कों के साथ गलत हुआ हो सकता है लड़कों को जस्टिस की जरूरत हो, लेकिन फीमेल डोमिनेंट सोसाइटी यहाँ पे हम बोल सकते हैं, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा रोध होके कहीं पे भी जाके कुछ बोल देते हो तो आपके फेवर में 100 लोग आ जाते हैं, क्योंकि आप एक लड़की हो और वहीं पे एक लड़का है, उसको बिना ये जाने कि उसकी गलती है या नहीं है कभी कभार उसको जान से ही मार दिया जाता है। तो प्लीज़ कोई भी एक्शन लेने से पहले थोड़ा सा हमें सोच लेना चाहिए कि दिस इज़ नॉट जेंडर स्पेसिफिक, जेंडर स्पेसिफिक कुछ नहीं होता है, कोई भी गलत हो सकता है, कोई भी सही हो सकता है। लेकिन जो मैं मैसेज देना चाहती हूँ कि आप लड़का हो आप लड़की हो, आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है, डोंट हेजिटेट टू शेयर विद योर पेरेंट्स एट लीस्ट। कुछ भी हो जाए वो आपका साथ हमेशा देंगे। तो अगर आप लड़का भी हो और आपके साथ किसी लड़की ने गलत किया है, लड़कियों ने गलत किया है, तो उनसे बात करो, शेयर करो। लास्ट जो मैं चाहती हूँ, पेरेंट्स प्लीज़ अपने बच्चों के साथ कनेक्शन बनाओ। अगर आपको उनके बिहेवियर में थोड़ा सा भी चेंजेस लग रहे हैं तो जानने की कोशिश करो कि ऐसा क्यों हो रहा है। हो सकता है उनके साथ कुछ ऐसा हुआ हो जिनको वो आपके साथ शेयर नहीं कर पा रहे हैं, तो अपनी तरफ से थोड़े से कोशिश करो आप जानने की कि बच्चा ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहा है। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल नाउ एंड प्रेस दैट बेल आइकन सो दैट यू विल गेट नोटिफिकेशन फॉर अपकमिंग वीडियोज। तो मैं ऑन इंस्टाग्राम, माई इंस्टा आई डी इज amandeep.rajput.75। दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो। होप इस वीडियो में कुछ भी ऐसा मैसेज हो जो लग रहा है कि इसकी जरूरत है सबको जानने की, तो डू शेयर इट विद अदर्स। एंड दैट्स ऑल, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, स्टे सेफ, स्टे अलर्ट।